हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज कमली सेफ। कैसे हो? सो गाइस, इस समय मैं आ गया हूँ मेरे पाप धोने हरिद्वार। सो आगे से आपके से किसी को पाप धोना है तो मुझे बता दो, मैं आपके पाप भी आधे धुलवा दूँगा यहाँ पर। और इस समय मैं घूम रहा हूँ हरिद्वार में, हमारे हरि की पौड़ी करके जो घाट है, यही सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा मान्यवर घाट कहा जाता है इसका। एंड बस यहाँ से ये पीछे का हमारा घंटा घर है जिसको हम क्लॉक टावर भी बोल सकते हैं। एंड इसी के पास में पीछे नाई घाट दिख रहा है मुझे। एंड कुछ चीज़ें हैं जो सारी दिख रही हैं यहाँ से। एंड काफ़ी प्यारी सी जगह है। मैं एक बार आ गया था तो मैं उधर अपोजिट में जाके बैठा हुआ था घाट के ऊपर। फिर वहाँ से मैं होटल गया, होटल पे मैंने रूम में अपना बैग सेग रखे। उसके बाद में अगेन आई कम बैक टू द घाट। एंड ये वाला जो पोर्शन है बस यही सबसे ज़्यादा ख़ास है, यहीं पे लोग नहाते हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड काफ़ी सारे यहाँ ब्रिजेस बने हुए हैं। गंगा मैया को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ताकि नहाने के घाट वगैरह बन जाए। जैसे आप मेरे पीछे ये वाला पोर्शन देख सकते, ये एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, तो इस तरह से ये सारे हैं। सो मेरा तो ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है हरिद्वार में। एंड जो लोग यहाँ बार बार आते रहते हैं शायद उनको ज़्यादा नॉलेज हो, बट स्टिल आई एम एंजॉइंग इट एंड आई लाइक इट, आई लव इट। एंड सच में मतलब है सकती है, मन की शांति है। एंड काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये जगह मुझे। सो नथिंग मोर टू बी टॉक अबाउट दी हरिद्वार। इट्स लाइक कहते हैं ना कि स्वर्ग का दरवाज़ा यहीं से खुलता है, ऐसा मैंने सुना है। हरिद्वार में आप एक बार स्नान कर लो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा भी मैंने सुना है। तो वैसे सुना है, पुरखों से ये बातें चली आ रही हैं, तो हो सकता है सच भी हो। सो बाय द वे, मैं तो कल सुबह ही स्नान करने वाला हूँ। अभी तो ठंडी लग रही है थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं कंपेयर टू शिमला एंड मनाली एंड श्रीनगर, यहाँ ठंडी काफ़ी ज़्यादा कम है। बट फिर भी मुझे रिस्क नहीं लेना। सो कल का पूरा दिन मेरे पास है और कल मैं ऑलमोस्ट मोर देन हाफ डे मैं यहाँ पर स्पेंड करने वाला हूँ। सो टुमारो आई एम गोइंग टू बी एंजॉय इट। सो दैट्स इट। एंड जो यहाँ की जो बात है मैं जो बताऊँ घाट के ऊपर, सच में काफ़ी सारे उन्होंने जिस तरह से डेकोरेट किया है, जिस तरह से इसको बनाया है ना, इट्स रियली रियली ओसम। मतलब आई डोंट नो हाउ दे मेक इट। एंड अभी तो इवनिंग मतलब नाइट हो गई है तो क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पर, अदरवाइज क्राउड वगैरह यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड सुना है, देखा तो कभी नहीं है कि क्राउड ज़्यादा होता है, बट काफ़ी ज़्यादा खाली है अभी। एंड बट इट गाइस, नथिंग मोर टू बी टॉक। एंड जय हो गंगा मैया की, आई एम जस्ट एंजॉइंग। सो आप लोग भी आओ और आकर यहाँ पर गंगा मैया में दर्शन स्नान करो, अपने पाप धो अपनी लाइफ को मुक्ति के धाम में लेके जाओ। बट मोर टू बी टॉक, नथिंग विल। सो दैट्स इट गाइस फॉर द डे एंड कीप वॉचिंग कम दिस। चलो फिर मैं हरिद्वार को अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ, सारे घाट वगैरह देखता हूँ। एंड अगर से मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा मिलता है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तब तक की वॉचिंग कम लेस, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। इफ यू न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट। मान मर्यादा को हानि भी होगी।
हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज कमलेश। आप कैसे हो आप लोग? सो गाइस, इस समय मैं घूम रहा हरिद्वार, और हरिद्वार का यह है श्री हरि पौड़ी घाट, जो कि हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध घाट है। यहीं पे आके आपके जितने भी स्नान वगैरह होते हैं वो सब यहीं होता है। यहीं पर ब्रह्म कुंड है जहाँ पर स्नान किया जाता है। एंड यहाँ के चारों तरफ का व्यू कुछ ऐसा है जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये मेन घाट है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसको बोलते हैं ब्रह्म कुंड। एंड यहाँ पर ही सारे वर्थन है। इसके पीछे अस्थियों का डिपार्टमेंट होता है, उसके पीछे मुंडन वगैरह का नाई का डिपार्टमेंट होता है। अब मैं डिपार्टमेंट ही बोल सकता हूँ यार, और क्या बोलूँ मैं। एंड यहाँ साइड में आता है अपना क्लॉक टावर, जिसको हम घंटाघर कहते हैं। एंड इसके पीछे से आप देखोगे तो, अगर से हम इस पार से देखते हैं तो यहाँ से आता है शंकर भगवान की बड़ी सी प्रतिमा दिखाई देती है। एंड बीचों बीच गंगा मैया की मूर्ति बनी हुई है। एंड मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है हरिद्वार में, एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का। एंड जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर की है, काफ़ी अच्छा रहा। रात को भी मैं आया था, रात को भी मैंने घाट पूरा एक्सप्लोर किया था। रात को कुछ भीड़ वगैरह नहीं थी, बट थोड़ी हल्की सी ठंडी थी, लेकिन पानी गर्म था। एंड सुबह आया, भीड़ ज़्यादा है, धूप है, लेकिन पानी एकदम ठंडा। बस रात को ऐसा लग रहा था कि गीजर का पानी आ रहा है, सुबह ऐसा लग रहा फ्रिज का पानी आ रहा है। सो फिर भी कहते हैं ना कि हरिद्वार में आके अपने पाप धोने हैं तो आपको नहाना ज़रूरी है। सो मैंने भी एकदम गंगा मैया में डुबकी लगाई। तो पहले 7 डुबकी लगाई, अपने सारे पाप धो दिए, बाद में 2 एक्स्ट्रा लगा दी, टोटल 9 हो गई। गंगा मैया से अपने सारे पापों के लिए गलती सलती की माफ़ी मांग ली। एंड गंगा मैया से विनती की है कि मुझे सद्बुद्धि दे, ताकि मैं कभी फ्यूचर में कोई गलत काम ना करूं, सही रास्ते पे चलूं, कभी किसी का बुरा ना चाहूं, और मेरे हाथों से कभी किसी का बुरा ना हो। एंड गंगा मैया करे सबकी मनोकामना पूरी हो, सबकी इच्छाएँ पूरी हो, सबको जो चाहिए वो सब कुछ मिले। बस यही मेरी मनोकामना है गंगा मैया से। एंड हर हर गंगे, हर हर न गंगे नमामि गंगे, बस जय हो गंगा मैया की। अभी मेरा हरिद्वार हो गया, यहाँ से निकल के मैं नेक्स्ट ऋषिकेश जाने वाला हूँ, और उसके बाद का फिर मुझे पता नहीं है कि क्या है यार। मैं देखने वाला हूँ, अगर से मुझे केदारनाथ ऊपर मिला तो शायद मैं केदारनाथ जाऊँ, बद्रीनाथ ऊपर मिला तो बद्रीनाथ, गंगोत्री ऊपर मिला तो गंगोत्री। तो इनमें से जो भी स्थान मुझे ओपन मिलेगा उनमें से मैं कोई ना कोई जगह जाऊँगा। सो लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। सो जो भी होता है आप लोगों को मैं अपडेट करते रहूँगा। की वॉचिंग कमेंट्स, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, फिर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करो। सी ऑन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय। Thank you.